नमस्कार दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच आज बड़ी अपडेट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बेल्ट्रॉन का नया अपडेट जो आया है वो है एग्ज़ाम कैंसिलेशन से संबंधित, और ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराने जा रही है उससे संबंधित है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको। सबसे अपना बेल्ट्रॉन पे जाना है, बेल्ट्रॉन का होम साइट पे। उसके बाद आपका जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ पर आपको मिलेगा, आपका लेटर सर्कुलर, ठीक है। तो उसमें से आप 4 नंबर का वहाँ पोर्टल खोलेगा तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। तो वहाँ पर जैसे यहाँ देख पा रहे हैं तो इसमें लिखा है निगम द्वारा पूर्व में पत्रांक 678/2024 दिनांक 2/2024 एवं पत्रांक जो डेट दिया हुआ है 14/9 कराई गई थी, ठीक है। 14/9/2024 से 27/10/2024 तक जो बेल्ट्रॉन का एग्जाम होता है। इस अंदर में क्या है कि 7/10/2024 को शुभज्योति डिजिटल सेंटर पटना में तकनीकी खराबी के कारण दोनों शिफ्ट, यानी कि सुबह और शाम वाला शिफ्ट, MCQ प्लस जो टाइपिंग टेस्ट है उसको रद्द करने का निर्णय लिया है। उसका दूसरा है आपका सॉफ्टवेयर के कारण क्या हुआ था, आपका 7/10/24 एवं 8/10/24 को आयोजित विभाग के सभी परीक्षा केंद्र केवल टाइपिंग टेस्ट को रद्द करने का निर्णय लिया गया है, और यही इसमें सूचना दिया गया है, ठीक है। अब एग्ज़ाम जो रिकनेक्ट दोबारा लिया जाएगा तो उसके बारे में आपको हम बता दें। तो एग्ज़ाम जो डाटा एंट्री ऑपरेटर अभ्यर्थी कंप्यूटर पुनः परीक्षा 2024 के संबंध में पुनः, इससे पहले जो नोटिस दिखाया उसमें जो भी डेट का कैंसिल हुआ उसका पुनः एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। तो उसका एग्ज़ाम मैं आपको बता दूँ शॉर्टकट में कि सेंटर जहाँ की परीक्षा रद्द होने के फलस्वरूप पुनः परीक्षा की जा रही है। तो पहला नंबर आप याद करके रखिए, शुभज्योति डिजिटल सेंटर पटना, यहाँ पर 7 तारीख का जो एग्ज़ाम था दोनों शिफ्ट को रद्द कर दिया गया था। उसी का ही से भी एग्ज़ाम होगा, तो जिसका भी शुभज्योति डिजिटल सेंटर पटना में एग्ज़ाम हुआ था उसका MCQ एवं टाइपिंग टेस्ट दोनों कैंसिल है, दोनों शिफ्ट का और दोनों एग्ज़ाम कैंसिल है। इसका एग्ज़ाम पुनः 30/11/2024 को आयोजित होगी। दूसरा हम बात कर रहे हैं बिहार का सभी सेंटर, यानी कि ऑल सेंटर का एग्ज़ाम को कैंसिल कर रहा है, किस दिन का, 7 और 8, यानी 7/10/2024 और 8/10/2024 का एग्ज़ाम को कैंसिल कर लिया जा रहा है। और इसमें MCQ नहीं, ओनली टाइपिंग टेस्ट कैंसिल हुआ है और केवल टाइपिंग टेस्ट का एग्ज़ाम होगा, यह भी 30 तारीख को होगा। तो एडमिट कार्ड जानने के लिए आपको क्या करना है, अपना वेबसाइट पे चेक करते रखना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।